हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि फिजिक्स में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किन चीज़ों को कहते हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव का जो मतलब होता है ना, कंजर्व रखना, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड कर तो उस एनर्जी का सिस्टम के अंदर कंजर्वड रह जाना, मतलब ज़ाया ना होना। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले वर्क का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। वर्क जो है, हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी में जब हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं एनर्जी को, तो ये वर्क कहलाता है। और जो एनर्जी है उसकी ये खासियत होती है कि वो किसी भी बॉडी में ये एबिलिटी पैदा कर देती है कि वो काम कर सके, ठीक है जी। लेकिन फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि वर्क उस वक्त होता है जब बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी को डिस्प्लेस करे। लेकिन ये फोर्सेस जो होती हैं फिजिक्स में, ये जो फोर्स है ये टू टाइप की होती है। या तो ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव हो सकती है, या ये फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव हो सकती है। इन दोनों फोर्सेस को बारी बारी देखते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आखिर हैं क्या। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये, इस फोर्स की वजह से जो काम किया जाता है यानी कि वर्क डन होता है एक क्लोज्ड पाथ में, इन अ क्लोज्ड पाथ, वो ज़ीरो होता है। यानी कि एक मुकम्मल बंद रास्ते में इस फोर्सेस की वजह से जो काम होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब कि इस तरह से एक क्लोज पाथ ले लीजिए कि ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से अगेन ए, मतलब उसी जगह से काम शुरू करके वापस उसी जगह पर आने को हम लोग कहते हैं कि एक क्लोज पाथ है। और इस तरह के जो क्लोज पाथ होता है उसमें जो वर्क डन होगा वो आपका ज़ीरो होगा ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है जी। इसके अलावा ये नहीं कि एक स्केयर की फॉर्म बन जाए, कि बहुत सी शक्लें बन सकती हैं। हम इसे यूं भी तो कह सकते हैं ना कि अगर हम लोगों ने सर्कल की फॉर्म में ट्रैवल किया है तो मे भी तो कह सकते हैं कि ए से हम लोग बी आए, बी से सी आए, और सी से हम लोग अगेन ए पर आ गए, तो भी तो हम लोगों ने क्लोज पाथ ही कवर किया है ना। जहाँ से काम शुरू किया वहीं पर आकर रुक गए। हम लोग इसे ट्राइंगल की फॉर्म में भी तो ले सकते हैं ना, कि हम लोग अगर ए से स्टार्ट करते हैं, बी पर जाते हैं, बी से सी पर जाते हैं, और सी से अगर अगेन ए पर आ जाते हैं, तो भी तो एक क्लोज पाथ ही हुआ ना जिसमें काम किया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी होती है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कि ये इंडिपेंडेंट है पाथ पर। इनके लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ता हो काम करने का, ज़रूरी नहीं कि ए से पहले बी पर जाए, बी से सी, सी से डी और डी से अगेन ए पर। आप यूँ कर सकते हैं कि आपको नहीं जाना बी पर तो ना जाए, आप ए से पहले डी पर पहुँच जाएँ, डी से आप बी पर आ जाएँ, बी से आप सी पर आ जाएँ, और देन सी से आप ए पर आ जाएँ। आप चेंज कर लें पाथ, किसी भी तरीके से पाथ को चेंज किया जा सकता है, ये रास्ते पर नहीं होता। बस इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक मुकम्मल बंद रास्ता हो जहाँ से काम शुरू किया जाए, अगेन वहीं पर आके काम ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। और इसमें तीसरी बात हमारी ये आ जाती है कि इसमें डेसिफिकेशन नहीं होती। हमने शुरू में ही कहा कि कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एनर्जी का किसी सिस्टम के अंदर महफूज रह जाना, ज़ाया ना होना। तो इसमें डेसिफिकेशन ऑफ एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, तो हम लोग कहते हैं कि डेसिपेशन ऑफ एनर्जी नेवर अकर, इसमें वाक़ नहीं होती है एनर्जी का डेसिपेट होना। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लीजिए आसानी के लिए, कि हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने एक ना ग्राफ ड्रॉ कर लिया समझने के लिए। अब हमारी जो बॉडी थी वो पॉइंट ए पर यानी ज़ीरो पर पड़ी है, और इसे ग्राफ की फॉर्म दे दीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 तक मैंने 5 डिजिट तक इसे स्केच कर लिया, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है जी। अब मैंने ए से जो है बी तक जाना है, ठीक है। एक रास्ता तो मेरा ये कि मैं डायरेक्ट फॉर्म में चली जाऊँ ए से बी तक, ठीक है, या मैं यूँ कर लूँ कि मैं ए से डी तक आऊँ। जब मैं ए से डी तक आती हूँ, एक बॉडी के मैं खुद आती हूँ या कोई जिस्म भी आ रहा है, ठीक है जी। जिस्म फर्स्ट कर लीजिए, एक बॉडी है ये ए से डी तक जा रही है। फर्स्ट कर लीजिए कि इसका वेट जो एम जी के बराबर है वो 2 न्यूटन है, ठीक है जी, और इसने 5 मीटर डिस्प्लेस किया है। तो इस सूरत में जो है इसका वेट एम जी डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे राइट वर्ड आपके दाहिने हाथ की तरफ कर रहा है।
तो जो एंगल है वो तो 90 हुआ ना, एंगल 90 होने की वजह से ए टू वर्क डन जो ए टू बी है वो ज़ीरो हो जाता है। अगर आप डी से आप बी की तरफ जाते हैं, डी से बी की तरफ जाते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपवर्ड है, यानी कि आपकी हाइट है जो वो 5 मीटर कह लीजिए, और जो आपका एम जी जो आपका वेट जो फोर्स है जो एम जी के इक्वल है आपका वेट, वो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है जो कि 2 न्यूटन है। और इस सिचुएशन में देखिए तो एंगल जो आपके पास आ रहा है वो 180 आ रहा है। सो आप ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में वर्क डन फ्रॉम बी टू डी टू, हाँ जी डी आएगा ना, डी टू बी की तरफ जाते वक्त आपके पास 2 × 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +10 न्यूटन मीटर। लेकिन एंगल जो हमारा है वो कोज 180 और कोज 180 जो है हमारे वर्क को नेगेटिव कर देता है, तो -10 जूल आ जाएगा हमारे पास वर्क। अब अगर मैं ए से डी ना जाना चाहूँ, मैं ए से सी जाना पसंद करूँ, तो ए से सी की तरफ जाते हुए एक बात गौर कीजिएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है लेकिन आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपका एंगल 180 होगा। आप क्या कहेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन आपका वेट है और 5 मीटर आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2 न्यूटन में आना चाहिए था ना, मिस होगा। जब मैं इसको यूँ कहूँ कि 2 न्यूटन है ठीक है जी, और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो हमारा एंगल है कोस 180 है बिकॉज हमारा वेट और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास -10 जूल आ जाता है ठीक है जी। अब अगर मैं सी से बी की तरफ जाना चाहूँ तो इस सिचुएशन में मेरा वेट दोबारा डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट मेरा जो है वो आपके राइट वर्ड यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ ही जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनता है वो भी 90 है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि वर्क डन फ्रॉम सी टू बी अगेन ज़ीरो हो जाएगा, क्यों ज़ीरो हो जाएगा, एंगल 19 आ गया। और अगर अब हम यूँ करें कि हम लोगों को पूरे क्लो, ये तो हमने एक एक हिस्से का देखा है ना, अब हम लोग पूरे क्लोज पाथ का वर्क डन चाहते हैं कि ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से अगेन वापस ए तक आते वर्क डन क्या हुआ है, मतलब कि ए से हम लोग गए बी और डी सॉरी डी, डी से बी, बी से सी, सी से अगेन ए पर आते हुए हम लोगों ने वापस उसी पोजिशन पर आए जिस पोजिशन से हमने वर्क स्टार्ट किया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू डी लेते हैं, फिर प्लस करते हैं डी में बी का वर्क, फिर प्लस करते हैं बी से सी का वर्क, और फिर वही वर्क सी से ए तक आने के लिए। हमने कहा था जब ए से हम लोग डी की तरफ गए हैं तो वर्क डन ज़ीरो है क्योंकि एंगल 90 है, बी से हम लोग जब डी की तरफ गए तो -10 जूल वर्क था बिकॉज एंगल 180 था, फिर जब हम बी से सी की तरफ आए हैं तो एंगल 90 है बिकॉज हाँ वर्क डन जो है हमारा ज़ीरो हो गया ना क्योंकि हमारा तो एंगल ही 19 आ गया, तो ये हम लोग ज़ीरो लिख सकते हैं ना। अब गौर करने वाली बात ये है कि हम लोग सी से ए कह रहे हैं, ए के ए टू सी नहीं कह रहे, तो जब हम सी से ए की बात कर रहे हैं यानी कि सी से ए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डाउनवर्ड और जो इसका एम जी वेट है वो भी डाउनवर्ड, तो ए के पोजीशन की तरफ जो एंगल है अब तो वो ज़ीरो है ना, एंगल ज़ीरो होने की वजह से वेट तो 2 न्यूटन ही रहा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही रहा, तो ये +10 जूल वर्क हो गया। जैसे मैं यहाँ पर +10 जूल लिखूँ तो ये कैंसिल हो जाता, तो मैं इस तरह कह सकती हूँ ना कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आप लोग इसकी एग्जाम्पल भी बहुत ही ले सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल में आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी जो काम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो भी ज़ीरो आता है। आप इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ले सकते हैं, आप इसमें मैग्नेटिक फोर्स ले सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स आ सकती है, आप इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स वो जो होती हैं इलास्टिक, हाँ जी इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस ले सकते हैं, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल आ जाती हैं। अब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव को डिस्क्राइब करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है, मतलब ये बिल्कुल उसके उल्ट है। इस फोर्सेस में ना तो वर्क डन ज़ीरो होता है, जो आप काम करें वो ज़ीरो नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनके लिए ज़रूरी है कि आपने कौन सा पाथ इख्तियार किया, कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, आप किस रास्ते के थ्रू जो है वो सफर अपना वर्क कर रहे हैं।
तीसरी बात इसमें ये है कि इसमें डेसिपेशन भी होती है, मतलब इसमें एनर्जी किसी ना किसी सूरत में सराउंडिंग में चली जाती है या कुछ ना किसी वजह से ज़ाया हो जाती है, तो हम कहते हैं डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इसमें होती है। ठीक है जी, इसके एग्जांपल में जैसे कि आप ले लीजिए कि ऐसी कौन सी एग्जांपल है जिनमें एनर्जी ज़ाया हो और वर्क डन भी ज़ीरो कभी ना हो, जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्सेस इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लोग एयर रेजिस्टेंस, हाँ जी एयर रेजिस्टेंस भी तो ले सकते हैं ना, एयर रेजिस्टेंस की फोर्सेस आ सकती हैं। आप इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ले सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्सेस ले सकते हैं। आप इसमें ये ले सकते हैं कि और कौन सी एग्जांपल, हाँ जी आप ये भी तो ले सकते हैं ना कि प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट या मोटर भी तो आप कह सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या फ़र्क है। तो हम लोगों ने इसको एक एग्जांपल से भी बता दिया कि कंजर्वेटिव के लिए क्लोज पाथ का होना ज़रूरी है और डिपेंड नहीं करता पाथ पे। और फिर हम लोगों ने ये भी बताया कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा वर्क डन जीरो होता है इस फील्ड के अंदर इस फोर्स की वजह से। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस होती हैं, इन सब की वजह से भी जो है वर्क डन जीरो होता है और इन्हें हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज ये होती हैं कि उनमें वर्क डन जीरो भी नहीं होता, वो पाथ पे डिपेंड भी करती हैं और उनमें डेसिपेशन भी होती है, जैसे कि फ्रिक्शन की फोर्सेस में अक्सर रगड़ की कुव्वत की वजह से आपकी जो है वो फोर्सेस ज़ाया होती हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। इसके अलावा वो भी तो कहते हैं ना अक्सर वो स्ट्रिंग टेंशन जो होती है, हाँ जो आपने टेंशन पढ़ा था इसलिए तो इस तरह से लिख लेते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग में टेंशन पढ़ी है 9th क्लास में, वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है।